गुड मॉर्निंग हिमाचल तो रूबरू हुए हैं सुबह के प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों का अध्ययन विस्तृत रूप से करें निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है सुबह की प्रमुख खबरें। रघुनाथ जी की रथ यात्रा के साथ कुल्लू अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव का आगाज। देवभूमि कुल्लू में देश दुनिया के सबसे बड़े देव समागम अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव का आगाज पिछले कल भगवान रघुनाथ जी के अलौकिक रथ यात्रा और अनूठे देवमानस मिलन के साथ हुआ। ठीक 4:30 बजे रथ मैदान से रथ यात्रा तब शुरू हुई जब बेखली माता से इसे रवाना करने के लिए संकेत मिला। इस देव महाकुंभ के नजारे के साक्षी राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल अपने परिवार संग बने। इसके अलावा उनके साथ उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर, विधायक भुवनेश्वर गौड़, विधायक सुरेंद्र शोरी, विधायक लोकेंद्र कुमार, उपायुक्त कुल्लू तोरुल एस रवीश, SP कुल्लू कार्तिकेयन गोकुल चंद्रन शामिल रहे। वहीं देश दुनिया के हजारों श्रद्धालु इस पल के साक्षी बने। कुल्लू में 2 महिला नशा तस्कर गिरफ्तार। होटल के पास कर रही थी ग्राहक का इंतजार एक पुरुष, काबू 1 किलो से ज्यादा चरस बरामद। कुल्लू पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ छेड़े गए अभियान के तहत भुंतर थाना की पुलिस टीम ने एक व्यक्ति को 502 ग्राम चरस सहित गिरफ्तार किया है। वहीं मनाली पुलिस ने 2 महिलाओं को 832 ग्राम चरस के साथ 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया। SP कुल्लू कार्तिकेयन गोकुल चंद्रन ने बताया कि पुलिस थाना भुंतर की टीम ने बीते दिन सिहुंड में नाकाबंदी के दौरान एक व्यक्ति के कब्जे से 502 ग्राम चरस बरामद की। आरोपी के विरुद्ध पुलिस थाना भुंतर में धारा 20 मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी की पहचान चेतराम निवासी गाँव छमाण डाकघर भैंड तहसील भुंतर के तौर पर हुई है। चिट्टे के मुख्य सरगना के गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार। ऊपरी शिमला में सेब के कारोबार की आड़ में चिट्टे का जाल फैलाने वाले मुख्य सरगना शाही महात्मा के गिरोह के 4 सदस्यों को पुलिस ने धर दबोचा है। पुलिस ने रोहड़ू इलाके के इन लोगों को न केवल गिरफ्तार किया है अपितु मुख्य सरगना शाही महात्मा के साथ वित्तीय लेन देन का भी पुख्ता रिकॉर्ड जुटाया है। चिट्टे के इस गिरोह का पर्दाफाश करने के बाद शिमला पुलिस इस मामले में 23 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। बीते दिनों पुलिस ने अपर शिमला में चिट्टे के एक सरगना को गिरफ्तार कर उसके ड्रग्स साम्राज्य का भंडाफोड़ किया था, जिसमें चौंकाने वाला खुलासा यह हुआ कि पुलिस के हत्थे चढ़ा सरगना शिमला के रोहड़ू का जाना माना सेब कारोबारी शाही महात्मा है और इसी की आड़ में ड्रग्स तस्करी को भी अंजाम दे रहा था। शोएब जमई की सफाई, बोले इमोशनल हो गया था। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजोली मस्जिद से उपजा विवाद अभी शांत नहीं हुआ है कि ओबीसी की पार्टी के नेता ने एक बार फिर से नया विवाद शुरू कर दिया। अब अपने ही बयान पर उन्होंने सफाई दी है। बता दें कि शोएब जमई कुछ दिन पहले संजोली मस्जिद में घुसकर एक वीडियो वायरल कर गए थे। अब उन्होंने एक विशेष समुदाय के व्यापारियों को कहा है कि वे हिमाचली सेब न खरीदे। वहीं शोएब जमई ने इन व्यापारियों से हिमाचल प्रदेश में सेब का बहिष्कार करने को कहा है। इस पर जब भाजपा ने पलटवार किया तो दोबारा से जमई ने सोशल मीडिया के जरिए अपने बयान पर सफाई दी है। जमई ने अपनी अपील पर खेद व्यक्त करते हुए कहा कि वो भावनात्मक रूप से बहक गए थे। पत्नी को डराने के लिए शराबी पति बाजू में सांप लपेट कर लाया, फनियर ने उसे ही काट खाया। ऊना जिला में क्षेत्र के गांव में शराबी पति पत्नी को डराने के लिए सांप पकड़कर घर ले आया। डराने का ड्रामा करते सांप ने उसे ही काट लिया। सोशल मीडिया पर वीडियो खूब वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि उक्त व्यक्ति को घर आते समय रास्ते में सांप दिख गया, जिसे उसने पकड़ लिया और अपने बाजू से लपेट लिया। घर आकर पत्नी को डराने का तमाशा करता रहा। परिजनों के चिल्लाने पर आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए। इसी बीच सांप ने उसे ही काट लिया, लेकिन शराबी फिर भी सांप को छोड़ने को तैयार नहीं था। लोगों के समझाने पर उसने सांप को छोड़ा और घायल अवस्था में उसे पंजाब के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी हालत ठीक बताई जा रही है। कच्ची और पक्की नौकरी में बंट गए 45 JOA कर्मचारी। आबकारी और कराधान विभाग में नियुक्ति पाने वाले 45 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट JOA 2 भागों में बंट गए हैं। राज्य चयन आयोग के परिणाम निकलने में हुई देरी की वजह से यह संकट पैदा हुआ। दरअसल आबकारी और कराधान विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट को लेकर अलग अलग भर्तियां आयोजित की गई थी, लेकिन आयोग में भ्रष्टाचार के मामले उजागर होने के बाद भर्ती के परिणाम फंस गए।
अब इन दोनों भर्तियों का परिणाम एक साथ सामने आया है और इस परिणाम की वजह से नियुक्ति हासिल करने वाले कर्मचारियों में विरोधाभास की स्थिति बन गई है। आबकारी विभाग ने 9 अक्टूबर को दोनों भर्तियों के परिणाम सार्वजनिक किए हैं और इन्हें अपनी वेबसाइट पर डाल दिया है। दोनों भर्तियों की नियम और शर्तें अलग अलग हैं। परिणाम में खास बात यह है कि 20 कर्मचारी नियमित रूप से भर्ती हुए हैं। बिना शारीरिक शिक्षकों के चल रहे 400 स्कूल सालों से लटकी पीईटी प्रमोशन। प्रदेश के स्कूलों में पिछले कई सालों से पीईटी के पदों पर पिछले कई सालों से प्रमोशन नहीं हुई है। इस कारण स्कूलों में खेलकूद प्रतियोगिताएं करवाने में भी दिक्कत आ रही है। राज्य के शारीरिक शिक्षक संघ हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष ललित चौहान का कहना है कि बीते कई वर्षों से पीटी की प्रमोशन नहीं हो रही, जिसके कारण प्रदेश के 400 से अधिक वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल ऐसे हैं जिनको पिछली सरकार ने हाई स्कूल से सेकेंडरी स्कूल स्तरोन्नत किया था। वहाँ शारीरिक शिक्षा का विषय नहीं पढ़ाया जा रहा और न ही उन स्कूलों के बच्चे खेलकूद प्रतियोगिता में भाग ले पा रहे हैं। ऐसे में खेलों में बच्चों को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है। अगले महीने से दाल चना महंगी, अब सिर्फ 1 किलो ही मिलेगी। हिमाचल प्रदेश के सरकारी डिपो में अब अगले महीने से दालें महंगी दरों पर मिलेंगी। राज्य सरकार डिपो में 3 दालें देती है जिसमें से दाल चना महंगा होने वाला है। केंद्र सरकार ने एक योजना के तहत राज्यों को दाल चना सस्ती दरों पर दिया और करीब 8 महीने से ये योजना चल रही थी, मगर अब केंद्र सरकार ने अपनी योजना को बंद कर दिया है। ऐसे में अब दालों के मूल्यों पर असर पड़ेगा और दाल चना जो यहां पर बीपीएल परिवारों को 38 रुपये प्रति किलो में मिल रहा था वो महंगा हो जाएगा। इसके साथ एपीएल को दाल चना 48 रुपये प्रति किलो दिया जा रहा है, जिसके दाम भी बढ़ जाएंगे। अभी राज्य का सिविल सप्लाई कारपोरेशन केंद्र सरकार से नई दरों पर दालें आने का इंतजार कर रहा है। अब नहीं कोई गिरा सीएम से, जो मांगा वो मिला। प्रदेश में कर्मचारियों के कुछ मुख्य मुद्दे आग की तरह भड़क रहे थे, मगर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की घोषणाओं के बाद मामला ठंडा पड़ता नजर आ रहा है। कर्मचारियों को वेतनमान के एरियर की जरूरत है, जिन्हें पता है कि स्थिति ठीक होते ही किस्तों में वो मिल जाएगा, मगर सबसे अधिक जरूरत उन्हें डीए की किस्त की थी जो सरकार ने दे दी। हालांकि अभी 2 किस्तें बची हुई हैं और देर सवेर सरकार वो भी चुकता कर देगी, मगर इसके साथ मेडिकल रीएम्बर्समेंट की मांग पूरी कर दी गई है, जिसके लिए न केवल कर्मचारी परेशान थे बल्कि पेंशनर भी लंबे समय से लटके हुए थे। अब दोनों वर्गों की यह प्रमुख मांग पूरी हुई है, जिससे माहौल शांत होता दिख रहा है। अब केवल कर्मचारी महासंघ की मान्यता का एक मसला शेष रह गया है, क्योंकि अभी तक सरकार ने किसी भी कर्मचारी नेता के गुट को मान्यता नहीं दी है। तो ये रहा सुबह की प्रमुख खबरों का विश्लेषण। ताजा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।